समय रखे ये चीज धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, जो हमारे पर्स होता है इसे धन स्थान लक्ष्मी स्थान माना जाता है, क्योंकि हमारे पर्स में हम जो पैसा रखते हैं, जो हम नोट रखते हैं, इसे लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी वही स्थान पे ठहरता है जहाँ पे शुद्धिकरण हो, जो स्थान उनके लिए लायक हो। तो अगर आप मित्रों, आज की वीडियो में 6 ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं, 6 में से कोई भी एक चीज रखना शुरू कर देते हैं, तो आपके पर्स नोटों से लबालब भर जाएंगे, आपके जीवन में पैसों का अभाव कभी भी नहीं होगा। और इस जानकारी को, इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना, छोटी सी जानकारी आपके भाग्य परिवर्तन करेंगे, आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। तो पहले नंबर पे आते हैं मोर का पंख। इसके बारे में कई वीडियो बना चुका हूं और ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि मोर का पंख अपने पर्स में अवश्य रखा करें, बहुत ही पवित्र चीज है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुकुट में मोर का पंख धारण किए। मोर का पंख हम अपने पर्स में रखते हैं तो ये हमें विद्या भी प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। और कभी भी उस पर्स में धन की कमी नहीं होती, कभी भी वह पर्स में धन का भाव नहीं होता जिस पर्स में यह रखा जाए या बटुए में रखा जाए। नंबर दूसरा, लौंग को पर्स में रखना चाहिए, हमें नकारात्मक शक्ति से बचाता है। पैसा जो फिजूल खर्चा में जाता है, खपत होता है, उसे रोकने का काम करते हैं। नंबर तीसरा, यंत्र, जैसे कि श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, धनदायक यंत्र, जो भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, जिन पर आपको पूरा विश्वास हो, उसके यंत्र को जरूर पर्स में रखा करें, ये तरक्की दिलाने में मदद करते हैं। नंबर चौथा, लाल कागज। लक्ष्मी को जो लाल कलर की रंग है ये समर्पित है। लाल कागज अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो ये धन में बरकत करती है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को खींचता, ठीक उसी प्रकार जो लाल कलर का कागज है ये लक्ष्मी को खींचता, नोटों को खींचता है। नंबर पांचवा, हल्दी युक्त नोट। एक आप ऐसा नोट रखे जिसमें थोड़ी सी हल्दी लगा हो, यानी कि हल्दी का छींटा मार करके या फिर हल्दी से जो है आप स्वास्तिक बना करके, स्वास्तिक को भगवान गणेश जी का मंगल स्वरूप माने जाते हैं, तो ये स्वास्तिक बना करके अगर आप एक पैसे को, यानी कि एक अच्छे नोट होना चाहिए, मुड़े हुए नहीं होना चाहिए, अगर आप ये पर्स में अपना हमेशा रखते हैं, इससे आप जो है खर्चे नहीं करते तो हमेशा आपके पर्स जो है पैसों से लबालब भरे रहेंगे। और इसके बारे में कभी मैं विस्तार से बहुत बड़ा वीडियो बना करके बताऊंगा। नंबर छठवां जो है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी खींचने का, नोट खींचने का चाबी कहा जाता है। तो लक्ष्मी को प्रभावित करना चाहते हैं, लक्ष्मी का बंधन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का भाव ना हो, पैसे का भाव ना हो, तो पीली कौड़ी भी अपने पर्स में अवश्य रखा करें। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगी। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।